अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने जो आमना के लिए चीज़ें ली हैं तो आपने हमें वो क्यों नहीं दिखाई, तो लास्ट वीडियो में जो है मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये चीज़ें क्या और मैंने क्या क्या मैंने आमना के लिए लिया है। चलिए फिर वीडियो करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मजाक करने हैं, तो कोई भी इससे ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो। तो मैं वैसे ही बताऊंगा कि मेकअप क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा फ़नी अंदाज में आप लोगों को दिखाऊंगा मेकअप जो है आमना का। तो ये जो है वो ब्रशेज़ हैं, ये आप देख लें, ये ब्रशेज़ जो हैं वो जो लगाते हैं वो जिसे मज्जों को साफ नहीं करते, वो जो धोती होते हैं, ये वो लग रहे हैं। ये हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यार। ये लोरियल का ये पता नहीं कौन सा स्प्रे है, पता नहीं बालों पे है या मुंह पे है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उसके लिए, ये पता नहीं क्या है कि फॉल्स लैश, ये लैशेस के लिए है शायद, पूछना मुझे नहीं पता इस चीज़ का। और ये पता नहीं क्या है, अब इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं। मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अब ये पता नहीं क्या है। और ये जो होता है वो जो पटीने नहीं होती, पटीने वो जो लड़कियां लगाती हैं पटीने वगैरह मुंह पे, ये वो है पटीने हो गई। ये भी डिफरेंट किस्म की पटीन है, मुझे नहीं पता ये कौन सी पटीन है, तो ये भी आप देखें। और ये पता नहीं क्या है, ये ग्लोमोन अमोर गटीन हाइलाइटिंग ड्रॉप्स, पता नहीं, मुझे लगता है वो जो मुंह पे गड्ढे नहीं पड़े होते लड़कियों के, उसके बाद ये लगाती हैं, मुझे लगता है इससे गड्ढे जो है वो पूरे हो जाते होंगे। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में नीचे बताइए ये क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं इन चीज़ों के बारे में पता। और ये पता नहीं लोरियल पैरिस का कुछ है, ये पता नहीं, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है, इसका भी मुझे नहीं पता, पता नहीं किन क्या क्या चीज़ें हैं। और ये है लिपस्टिक का कुछ है, वो पता नहीं शायद खाने के बाद ये लगती हो, या खाना ज़्यादा खा लें तो वो लिपस्टिक उतर जाए तो ये लगा लो, शायद ना उतरती हो। और ये भी एक है, पता नहीं ये क्या है, इनफेलिबल 24 आवर मैट कवर, ये भी कोई एक पटीन है, पता नहीं कौन सी पटीन है, वो जो होते नहीं वो जो पटीने भरते हैं दीवारों ये बहुत लगती है मुझे, ये हो गया। और ये भी एक किस्म की लोरियल की ट्रू मैच की, ये भी पटीन है, नीचे पीछे उसके वो भी है, वो रद्दा फेरने वाला नहीं होता मुँह पे, वो भी है आप देखें, तो ये भी कोई पटीन की किस्म है कोई, पता नहीं कौन कौन सी पटीने हैं। और ये पता नहीं क्या है, ये भी कुछ है, मुझे नहीं इन चीज़ों, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे इनके बारे में पता ही नहीं है ये चीज़ें हैं क्या। मैंने सोचा था पाकिस्तान जाके आमना दिखा देगी या मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिर लोगों ने कहना इसने इधर से लिया, बाहर से नहीं लेके आया। ये जी ये मुझे बड़ी इजीली मिल गया था, लेकिन बाकी भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैंने दो, इसमें जो ग्रीन था वो पूरे मेलबर्न में मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला, लेकिन एक जगह से मुझे किसी ने बताया मिल जाएगा। ये जी ये जो थी ना, मैंने कहा दो ले लो, ये पाकिस्तान में भी नहीं शायद मिलता आसानी के साथ, तो ये मैंने उसके लिए दो ले लिए थे। तो ये फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की इसकी, तो मुझे पता चला कि यार कोई 30-35 चूहे मारो ना तो ये बनता है। तो फिर मैंने यही सोच लिया, मैं कहा ये कोई आसानी से नहीं बनता, 30-35 चूहे मारो फिर ये बनता है एक, वो भी ये हो गया। अब ये पता नहीं क्या, ये कोई पेंसिल है शायद, पता नहीं क्या, होंठों पर वो जैसे बतखे नहीं होती वो वाली कोई है, कोई ब्रो फाइबर फिलर, अब ये पता नहीं क्या है यार, ये हो गया। और ये लिपस्टिकें भी हैं उसकी कोई, ये लिपस्टिक किसी ने मुझसे पूछा था ब्रांड क्या है, ये लोरियल पैरिस का है, ये भी ना लोरियल पैरिस की है ये भी लिपस्टिक जो है। चले ये मेकअप तो मैंने आपको उसका सारा दिखा दिया है, हाँ मैं आपको मेकअप का बैग भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये आपने लिया कहाँ से है, तो ये जी मैंने लिया है प्राइस लाइन फार्मेसी से। तो काफ़ी ज़्यादा बैग थे वहाँ पे, लेकिन मुझे जो है मुझे ये वाला का सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला आया था, तो ये हो गया। तो ये चीज़ें मैंने ली आमना के मेकअप के लिए, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने और उससे क्या क्या लिया। और हाँ इसके अलावा मैंने आमना के लिए जो है मैंने शूज़ लिए थे ये वाले, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले शूज़ लिए थे मैंने आमना के लिए, ये आप लोग देख लो यार, सीधे करके दिखा दो फिर कहोगे जी भाई जी ये भी दिखा रहा है, ये रनिंग शूज़ मैंने आमना के लिए लिए थे, मैंने अपने लिए भी लिए थे मुझे, लेकिन सेम कलर नहीं मिला तो मेरे वाले ये थे। और ये चीज़ें जो थी ये मैंने लॉकडाउन से पहले ली थी, तकरीबन 6-7 माह पहले, तो मेरे शूज़ जो हैं वो ये हैं, आप लोग देख लो,
और आमना के मैंने व्हाइट लिए थे क्योंकि मुझे सेम कलर मुझे मिला ही नहीं था व्हाइट कलर में। मैंने सोचा था दोनों के सेम ले लूँगा लेकिन व्हाइट कलर में उधर था ही नहीं स्टोर में। उसके अलावा आमना के लिए ये पता नहीं क्या, ये स्प्रे है जिससे वो कंडे की तरह बाल नहीं खड़े हो जाते, ये वो स्प्रे है। दूसरी तरफ ये डिटेल है क्योंकि ये मैंने पैकिंग खोली नहीं क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये आप देख लो स्प्रे है, ये मैंने लिया था आमना के लिए। उसके अलावा ये स्ट्रेटनर मैंने रेमिंगटन का लिया था क्योंकि वो कहती थी उसका स्ट्रेटनर ठीक नहीं है, तो मैंने कहा था कोई नहीं मैं तुम्हें नया ला दूंगा। तो ये भी स्ट्रेटनर भी उसके लिए मैंने लिया था। ये चीज़ें थी। और इसके अलावा एक बड़ी स्पेशल किस्म का गिफ्ट जो मैंने आमना के लिए लिया था वो इसके अंदर है, ये मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ये डायमंड है। लोग कहते थे पता नहीं शौक ये मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो शो ऑफ बिल्कुल नहीं था। डायमंड जो है यहाँ पे कॉमन है यार, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैं समझ रहा था कि शायद सारे अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। एक दो दिन काम करो आप कुछ भी ले सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है, मैंने नया मोबाइल भी लिया है मैंने वो भी नहीं दिखाया। मैंने कहा यार लोग कहेंगे शो ऑफ कर रहा है ये वो, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे हर कोई ले सकता है। जो भी बाहर है नया मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी नई होगी, नई से नई गाड़ी आप ले सकते हो, समझ रहे हो आप, नया नई से नई हर चीज़ टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी शो ऑफ वाली बात नहीं है, लोग कुछ भी सब कुछ ले सकते हैं लोग यहाँ पे। तो ये भी आप लोग देख लो, ये इंशाल्लाह आपको आमना दिखाएगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने लिया आमना के लिए। तो चलें इसी के साथ ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर कोई चीज़ें जो हैं मैंने मिस भी कर दी हैं आप लोगों को मुझे बतानी सही तरह से नहीं आई, मसलन क्या ये चीज़ें हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये है क्या हो। क्योंकि मुझे, मैंने पहले ही पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग खुद ही देख लो कि आमना ने क्या क्या मुझसे मंगवाया था। और मुझे ब्रांड्स का भी नहीं पता, कुछ कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ था कि क्या सस्ते से ब्रांड ले आया ये तो वो, तो इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये चीज़ें जो है ये मुझे आमना ने कहा था कि तुम ये चीज़ें ले आओ, ये वाली चीज़ें, वो यही कहती थी कि मैं ज़्यादा महंगी नहीं मंगवाऊंगी, उसने मुझे यही कहा था ज़्यादा महंगी नहीं मंगवाऊंगी, सस्ती चीज़ें मंगवाऊंगी, तो आप ले आना। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।